नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूँ आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने बदले तेवर, संसद में लिखित में मिलेंगे सवालों के जवाब। एलएसी पर तनाव के बीच वायुसेना चीफ ने कई एयरबेस का किया दौरा, तैयारियों का लिया जायजा। पेंगोंग में मात खाई तो ऑक्साइड छीन में मोर्चा खोल रहा चीन, देवसांग चुमुर में सेना में भेजा खास टुकड़ी। लोन मॉरेटोरियम पर सुनवाई, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा बकाया किश्तों का ब्याज माफ नहीं कर सकते लेकिन पेमेंट का दबाव कम कर देंगे। सोनीपत से बड़ी खबर, कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी, हालातों को देखते हुए मूर्थल के सबसे फेमस सुखदेव अमृत ढाबा को 2 दिन बंद करने के साथ कराया जाएगा सैनिटाइज, 65 के लगभग पाए गए पॉजिटिव केस। कोविड-19 वैक्सीन ट्रैकर, स्वदेशी कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स शुरू, शॉर्टेस्ट टाइम में सभी भारतीयों को वैक्सीन लगाने के लिए ICMR बना रहा है प्लान। सुशांत की मौत का मामला, सुशांत के पिता के वकील ने कहा ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। CBI की रिया के पिता इंद्रजीत, नीरज और केशव से पूछताछ जारी। हिमाचल मानसून सत्र, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिलेगा मंत्रियों विधायकों को प्रवेश, डॉक्टर भी रहेंगे मौजूद, पूछे जाएंगे 858 सवाल। हिमाचल के कुल्लू जिले में पहाड़ों में गिरे बर्फ के फाहे, बारिश से ठहरा जनजीवन, उफान पर आवास। पंजाब में नम आंखों से लोगों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए सूबेदार राजेश कुमार को दी आखिरी विदाई, अंतिम दर्शन को उमड़ा हुजूर। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश TV। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।